नमस्कार, मैं अनुपम आलोक और आप देख रहे हैं अनुपम ज्ञान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसे ही अपने देश को नहीं कहा जाता। यहां की सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, खान पान सभी देशों से निराला है। यहां की पवित्र मिट्टी में ऐसे ऐसे महापुरुष अवतरित हुए हैं जिनका नाम विश्व क्षितिज पर गर्व से लिया जाता है। दोस्तों, इन्हीं महापुरुषों में से कुछ महापुरुष जैसे आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, चिपको आंदोलन के प्रणेता पर्यावरण गांधी एवं वृक्ष मित्र से प्रसिद्ध सुंदरलाल बहुगुणा, मालवा प्रांत की महारानी अहिल्याबाई के जीवन की झलक प्रस्तुत किया गया है। तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, आपसे आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे इसी तरह की ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियो हमेशा आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के महापुरुष नंबर वन पर जो नाम उभर कर आता है वह है स्वामी दयानंद सरस्वती का। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उनका बचपन का नाम नीलशंकर तिवारी था। उन्होंने वेदों के प्रचार और आर्यव्रत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को की। स्वामी दयानंद सरस्वती एक सन्यासी तथा चिंतक थे। उन्होंने वेदों की सत्ता को सदा सर्वोपरि माना। वेदों की ओर लौटो यह उनका प्रमुख नारा था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा गुजरात में हुआ था। इनके माता का नाम अमृताबाई तथा पिता का नाम करसनजी लालजी तिवारी था। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम बिरजानंद दंडिस था। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को 59 वर्ष की उम्र में अजमेर में हो गई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को भास किया, इसलिए उन्हें ऋषि कहा जाता है। उन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य तथा संन्यास को अपने दर्शन के चार स्तंभ बनाया। उन्होंने ही सबसे पहले 1876 में स्वराज का नारा दिया, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। प्रथम जनगणना के समय स्वामी जी ने आगरा से देश के सभी आर्य समाज को यह निर्देश दिलाया कि सब सदस्य अपना धर्म सनातन लिखवाए, क्योंकि हिंदू शब्द विदेशियों की देन है और फारसी शब्द में इसका अर्थ चोर, डाकू इत्यादि है। महर्षि दयानंद के विचारों से प्रभावित महापुरुषों की संख्या असंख्य है। इसमें प्रमुख नाम मदामा भीकाजी कामा, भगत सिंह, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, महादेव गोविंद लनाडे, महात्मा हंसराज तथा लाला लाजपत राय इत्यादि। स्वामी दयानंद के प्रमुख अनुयायियों में लाला हंसराज ने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी कॉलेज की स्थापना की, जो आज संपूर्ण भारत में डीएवी स्कूल और कॉलेज के नाम से विख्यात है। स्वामी सरदानंद ने 1901 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल किया था। भारत के महापुरुष नंबर दो पर जो नाम उभर कर आता है वह है महान पर्यावरणविद एवं वृक्ष मित्र के नाम से विख्यात सुंदरलाल बहुगुणा का। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को देवों की भूमि उत्तराखंड के मोरवडा नामक स्थान पर हुआ और उनकी मृत्यु 21 मई 2021 को ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था ऋषिकेश में कोरोना के कारण हो गई। अपनी प्राथमिक शिक्षा के बाद वे लाहौर चले गए और वहीं से बीए किया। सन 1949 में मीराबेन एवं ठक्कर बप्पा के संपर्क में आने के बाद ये दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए प्रयासरत हो गए तथा उनके लिए टिहरी में ठक्कर बप्पा हॉस्टल की स्थापना भी की। दलितों को मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। अपनी पत्नी श्रीमती बिमला नौटियाल के सहयोग से उन्होंने सिरियारा में ही पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की। सन 1978 में शराब की दुकानों को खोलने से रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने 16 दिन तक अनशन किया। चिपको आंदोलन के कारण वे विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। सुंदरलाल बहुगुणा के चिपको आंदोलन का घोष वाक्य है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और ब्यार, मिट्टी पानी और ब्यार, जिंदा रहने की आधार। सुंदरलाल बहुगुणा के अनुसार पेड़ों को काटने की अपेक्षा उन्हें लगाना अति आवश्यक है। बहुगुणा के कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका की फ्रेंड्स ऑफ नेचर नामक संस्था ने 1980 में इनको पुरस्कार भी दिया। इसके अलावा उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पर्यावरण को अस्थायी संपत्ति मानने वाले यह महापुरुष आज पर्यावरण गांधी बन गए हैं। इन्हें 1984 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, 1985 में वृक्ष मानव पुरस्कार तथा 1987 में सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
पंडित लाल बहादुर गुना को पर्यावरण गांधी भी कहा जाता है। भारत के महापुरुष नंबर 3 पर जो नाम उभर कर आता है वह है मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध रानी तथा इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडे राव की पत्नी अहिल्याबाई होलकर का। महारानी अहिल्याबाई होलकर भारत के मालवा साम्राज्य की मराठा होलकर महारानी थी। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 ईस्वी को महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौंडी ग्राम में हुआ था। उनके पिता मंकोजी राव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे। सूबेदार मल्हार राव होलकर का नगर भ्रमण के दौरान उनका ठहराव चौंडी गांव में हुआ। वहीं पर उनकी मुलाकात एक 9 वर्ष की चंचल और तेज बुद्धि वाली लड़की से हुआ। वह 9 वर्ष की लड़की अहिल्याबाई थी। अहिल्याबाई के कुशाग्र बुद्धि से प्रभावित होकर मल्हार राव होलकर ने अपने पुत्र खंडे राव से विवाह करने का निश्चय किया। हालांकि उनके इस फैसले से मल्हार होलकर की महारानियां तथा दरबारी खुश नहीं थे, फिर भी महाराज का फैसला सर्वमान्य था और इस तरह एक साधारण सी बच्ची का विवाह इंदौर राज के संस्थापक महाराज मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडे राव से संपन्न हुआ। सन 1745 में अहिल्याबाई को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम माल्या राव रखा गया। फिर 1748 में यानी 3 वर्ष पश्चात एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम मुक्ताबाई रखा गया। उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने पति के गौरव को बढ़ाया। कुछ ही दिनों में अपने महान पिता के मार्गदर्शन में खंडे राव एक अच्छे सिपाही बन गए। मल्हार राव को भी देखकर संतोष होने लगा। पुत्र वधु अहिल्याबाई को भी वह राजकाज की शिक्षा देते रहते थे। अहिल्याबाई के बुद्धि और चतुराई से मल्हार राव बहुत पसंद रहते थे। मल्हार राव के जीवन काल में ही 1754 में कुंभेर युद्ध में खंडे राव शहीद हो गए। इससे मल्हार राव को बहुत सदमा पहुंचा और 12 वर्ष पश्चात वे भी चल बसे। इसके बाद अहिल्याबाई को मालवा साम्राज्य की रानी का ताज बनाया गया। अहिल्याबाई ने इंदौर को एक छोटे से गांव से खूबसूरत शहर बनाया। मालवा में कई किले और सड़क बनवाई। अहिल्याबाई ने कई घाट मंदिर तालाब कुएं और विश्राम गृह बनवाए। चूंकि अहिल्याबाई शिव की भक्त थी इसलिए सोमनाथ काशी गया अयोध्या द्वारका हरिद्वार कांची अवंती बद्रीनाथ रामेश्वरम मथुरा और जगन्नाथपुरी में भी बहुत से भव्य आश्रम और घाट बनवाए। अहिल्याबाई का निधन 13 अगस्त 1795 ईस्वी को हो गया। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और आगे भी शेयर करें।